अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल ट्राई टू लुक एट अ क्रेडल सॉन्ग बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का आज हम अ क्रेडल सॉन्ग देखेंगे और हम देखेंगे कि क्रेडल सॉन्ग में विलियम ब्लेक क्या कहता है। तो क्रेडल का मतलब होता है एक झूला जिसमें माएँ अपने बच्चे को झूला देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्रेडल सॉन्ग बेसिकली एक लोरी है जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए दे रही है। लोकेशन ये है कि विलियम ब्लेक एक माँ को देखता है जो एक दरख्त के नीचे अपने बच्चे को झूला दे रही होती है और उस झूले को हिलाते हिलाते वो ये सॉन्ग पढ़ रही होती है। अब सॉन्ग को देखते हैं कि सॉन्ग में वो क्या कह रही है। Okay, she said, "Sweet dreams form a shade." Sweet dreams, ये जो अच्छे मीठे ख्वाब हैं, form बनाना, तश्कील देना, a shade वो एक साया बनाती हैं। कहते हैं जो अच्छे ख्वाब हैं, मीठे ख्वाब हैं, जो सुनहरी ख्वाब हैं, जो sweet dreams हैं, they basically establish a shade, वो एक साया बनाते हैं। किसके ऊपर साया बनाते हैं? Over my lovely infant's head. Infants होते हैं नौमौलूद बच्चा, शेरख्वार बच्चा, वो बच्चा जो अभी अपनी मदर से फीड, जो अपनी मदर के ऊपर फीड के लिए रिलाई कर रहा हो, माँ का दूध पीने वाला छोटा बच्चा। यदि over my lovely infant's head, मेरे प्यारे नौमौलूद या छोटे बच्चे के सर पर। इसका क्या मतलब है? कहती है जो मीठे ख्वाब हैं, अच्छे ख्वाब हैं, वो मेरे बच्चे के सर पर एक साया बनाती हैं। इसका मतलब है कि बच्चा जो है, ही इज इनिशियल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज में है। और क्या है? ही इज रिलाइंग ऑन हिज मदर फॉर गेटिंग फीड, वो खुराक के लिए अपनी माँ के ऊपर रिलाई कर रहा है। ही इज अनअवेयर ऑफ द मिजरीज एंड पेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वो इस दुनिया की मिजरीज और पेन्स से बिल्कुल बेखबर है, इन्फेंट है। तो क्या है, इसलिए वो क्या कहती है कि ऑल वट ही यूज टू डू इन हिज डे इज टू स्लीप। अब वो जो करता है सारा दिन, वो क्या करता है, वो सिर्फ सोता है। और सोता है और क्या करता है, ही सीज सम ब्यूटिफुल और सम स्वीट ड्रीम्स While he is sleeping, जब वो सो रहा होता है तो वो अच्छे मीठे ख्वाब देखता है। Sweet dreams of pleasant stream, किन चीजों के ख्वाब देखता है? He sees some of the beautiful aspects of nature while he is sleeping. जब वो सो रहा होता है तो वो नेचर के जो एस्पेक्ट हैं, स्ट्रीम नदी को कहते हैं, वो उसके ख्वाब देता है। एंड स्ट्रीम इज द पार्ट ऑफ नेचर एज वेल। क्या कहती है? स्वीट ड्रीम्स ऑफ प्लेजेंट स्ट्रीम, तुम अच्छी खुशगवार नदियों के ख्वाब देखो। अब अपना उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो नेचर का ख्वाब देख रहा है। बाय हैप्पी साइलेंट मुनी बीम्स, बाय हैप्पी खामोश साइलेंट मुनी बीम्स, चांद के टुकड़ों के ख्वाब देखो। अब वो अपने बच्चे को कहती है कि तुम नेचर का ख्वाब देखो, तुम नेचर को देखो अपने ख्वाब में, और ये ख्वाब क्या करेंगे, ये तुम्हें एक साया देंगे, शेड देंगे, साया देंगे। साया किससे दे रहे हैं? फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, तुम्हें जिंदगी की जो हार्श रियलिटीज हैं उनसे दूर तुम्हें एक साया दे रही है और तुम्हें एक वर्ल्ड ऑफ ए ड्रीम्स में लेके जा रही है। तुम्हारी ये एज, तुम छोटे हो इसलिए तुम ख्वाब देखो, और ये ख्वाब तुम्हारे ऊपर, मेरे छोटे से बच्चे को, लवली इन्फेंट के ऊपर एक साय की तरह, साय को तश्कील देते हैं। आगे के कहते हैं, स्वीट ड्रीम ऑफ प्लेजेंट स्ट्रीम, मीठी नदियों के ख्वाब देखो और खुश हो जाओ, और चांद के टुकड़ों के ख्वाब देखो। ख्वाब किसके देखने हैं? ब्यूटी ऑफ नेचर का ख्वाब देखो तुम। ओके, दूसरे स्टेंजा में वो क्या कहती है? माँ अपने बच्चे को कहती है, स्वीट स्लीप विद सॉफ्ट डोन, कहते तुम नरम बस बिस्तर पर मीठी नींद सो। सॉफ्ट डोन, नरम बिस्तर के ऊपर तुम मीठी नींद सो। वो कहती है तुम भूल जाओ कि तुमने जवान होना है। यू नीड टू फॉरगेट
दैट वेयर यू हैव ओपन योर आइज, तुम ये भूल जाओ कि तुम जन्नत से जिस जगह पे आए हो, जहाँ पे तुमने अपनी आँख खोली है, तुम भूल जाओ कि जब तुम बड़े होगे तो व्हाट यू हैव टू फेस इन योर लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या कुछ फेस करना पड़ना है, तुम सब कुछ भूल जाओ। क्या करो, स्वीट स्लीप विथ सॉफ्ट डाउन, नरम बिस्तर पे मीठी नींद सो जाओ। वीव दाई ब्रोज एंड इन्फेंट्स क्रोन, वीव क्या होता है, जोड़ना, वीव कहते हैं जोड़ने को। वीव दाई ब्रोज, ब्रोज कहते हैं फॉरहेड को, माथे को, कहते अपने माथे के ऊपर जोड़ दो। एंड इन्फेंट क्रोन, नोमलूद बच्चे का ताज, कहते तुम अपने सर के ऊपर ताज पहन के सो जाओ। क्यों, क्योंकि वो कहती है कि मेरा बच्चा, कहते हैं ना मेरा बच्चा, क्योंकि मदर के लिए जो उसका बेटा है, ही इज नॉट लेस देन अ किंग, वो किसी बादशाह से कम नहीं है, इसलिए क्या कहती है कि तुम यू आर लाइक अ किंग फॉर योर मदर, तुम अपनी माँ के लिए एक बादशाह की तरह हो। यू आर द होल वर्ल्ड ऑफ योर मदर, तुम अपनी माँ की पूरी दुनिया हो, तो तुम क्या करो, अपनी अपने सर पे ताज पहन के मीठे ख्वाब देखो, मीठी नींद सो, स्वीट स्लीप, तुम मीठी नींद सो, एंजल माइल्ड होवर ओवर माई हैप्पी चाइल्ड। एंजल माइल्ड होवर, होवर कहते हैं मुंडलाना, कवर करना, कहते हैं एंजल माइल्ड होवर ओवर माई चाइल्ड, माई हैप्पी चाइल्ड, फरिश्ते मेरे खुश को, एक हैप्पी चाइल्ड मेरे खुश बच्चे की हिफाजत करेंगे। क्या है, शी हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड, और शी बिलीव दैट गॉड हैज सेंट एंजल्स टू प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड। माँ को यकीन है कि जो बच्चे बच्चा है, ही डजेंट नीड टू बी वरीड ऑफ एनीथिंग, उसे किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंजल्स विल प्रोटेक्ट हिम, एंजल्स उसकी हिफाजत करेंगे, इसलिए वो उसको कहती है तुम सो जाओ, तुम्हें एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, एंजल्स तुम्हारी हिफाजत करेंगे। गॉड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईच एंड एवरी इवल ऑफ दिस वर्ल्ड, खुदा तुम्हें इस दुनिया के हर इवल से, हर बुराई से तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्यों, क्योंकि यू आर टू यंग नो, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो, यू आर टू इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, अभी तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल आने के लिए ये इट इज टू अर्ली, ये बहुत इट इज नॉट अ राइट टाइम, इट इज नॉट एन एक्यूरेट टाइम, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है, इट इज टू अर्ली, तुम अभी बहुत छोटे हो, बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हें कोई मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी एंजल्स आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू, बट अभी फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम क्या करो, तुम सो जाओ, अपने सर पे ताज पहन के सो जाओ, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करें। कहते हैं स्वीट स्माइल्स इन द नाइट, रात को मीठी नींद सो, स्वीट स्माइल्स नहीं, रात को स्वीट स्माइल्स, तुम मुस्कुराओ, तुम खुशगवार मुस्कुराहट तुम्हारे मुंह पर रात को हो, रात को जब तुम सो तो तुम मुस्कुराओ। होवर ओवर माई डिलाइट, तुम मेरी खुशी हो, मतलब जब तुम मुस्कुराओगे तो मैं भी मुस्कुराऊंगी, मैं भी खुश होंगी, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। यू आर एन एसेट ऑफ माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी का एक असासा हो, जब तुम मुस्कुराओगे तो मैं मुस्कुराऊंगा। स्वीट स्माइल्स मदर स्माइल्स, जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारी माँ भी मुस्कुराएगी। ऑल द लिव लाइक लिव लॉन्ग नाइट बेगाइल्स, बेगाइल्स होता है बहलाना, कहते तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही सारी रात बहलाती रहेगी, हिलाती रहेगी। क्या कहता है, ये मदर का अफेक्शन बता रहे इस स्टैंजा में, माँ की अपने बच्चे के लिए मोहब्बत बता रहे कि मदर इज इन लव विद हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, शी इज हर सन इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर हिम, उसका बच्चा उसके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जब वो बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती है तो वो इट इज अ सोर्स ऑफ अल्टीमेट डिलाइट फॉर द मदर, व्हेन अ चाइल्ड स्माइल्स, जब बच्चा मुस्कुराता है तो वो माँ के लिए एक अल्टीमेट डिलाइट है, उसके लिए एक खुशी है जिसको वो निगेट नहीं कर सकती।
तो इसलिए मदर और सन का जो लव रिलेशनशिप है, पोइट उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि हाउ मदर शोज हर अफेक्शन टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन, कैसे माँ अपने बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। स्वीट मॉन्स कहते, जब तुम रोते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चा रोता है तो माँ को उसका रोना बुरा नहीं होता लगता। मदर डज नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन व्हेन हिज चाइल्ड क्राइज। जब माँ का बेटा रोता है तो उसको किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होती, इसलिए वो क्या कहती है कि योर मोन्स आर स्वीट, तुम्हारा रोना भी अच्छा है। डव लाइक साइज, फाख्ता की तरह तुम आहें भरते हो। अब क्या कहते हैं, उसके रोने को किसके साथ कंपेयर करते हैं, फाख्ता की आहें भरने की तरह। डव लाइक साइज, तुम फाख्ता की तरह आहें भरते हो। चेज नॉट स्लम्बर, स्लम्बर होता है नींद, ऊंघ, कहते तुम्हें नींद नहीं आई। फ्रॉम द आईज, तुम्हारी आंखों में, कहती अभी तुम्हें नींद ने अपने आगोश में नहीं लिया, अभी तुम नहीं सोए। स्वीट मॉन्स, तुम इसलिए मीठा, स्वीट, खुशगवार रोना रो रहे हो। स्वीटर स्माइल, और क्या कहते हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट भी स्वीट है, तुम्हारा रोना भी स्वीट है। ऑल द डव लाइक मोन्स बिगॉयल्स, और जो तुम हल्का हल्का रोते हो, जो तुम मोन करते हो, फाख्ता की तरह मातम करते हो, ये भी तुम्हारा दिल बहलाता है। दिल बहलाना कहते हैं बेगॉयल्स को, वो भी तुम्हें दिलासा देता है। अब वो माँ को सिर्फ बच्चे का, इस स्टेंजा में आपने देखा कि उसका सिर्फ आप माँ को मुस्कुराना ही अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि जब वो मौन भी करता है, मातम भी करता है, तो मदर को वो भी अच्छा लगता है, वो उस पे भी खुश होती है और बच्चे को उसके ऊपर भी अप्रिशिएट करती है। स्लीप स्लीप हैप्पी चाइल्ड, मेरे प्यारे बेटे सो जा सो जा। ऑल क्रिएशन स्लेप्ट एंड स्माइल, कहते सब सो गए हैं। ऑल क्रिएशन स्लेप्ट, सब सो गए हैं एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा रहे हैं। स्लीप स्लीप हैप्पी स्लीप, तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, मीठी नींद सो जाओ। वाइल ओवर दी दाई मदर वीप, क्योंकि अगर तुम नहीं सोगे तो तुम्हारी माँ भी रोएगी। अब बच्चा तीसरे लास्ट स्टेंजा में आपने देखा था कि बच्चा सो नहीं रहा था, बच्चा रो रहा था, मौन कर रहा था, नींद से उठ गया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा रोना भी स्वीट लग रहा है। अब बच्चे को वो वापस सुलाने की मदर कोशिश कर रही है, कहती है स्लीप स्लीप हैप्पी चाइल्ड, मेरे बेटे तुम सो जाओ, जब तुम सो गए सभी सो गए हैं, तुम भी सो जाओ, तुम सो जाओ और तुम मीठी नींद सो जाओ, अगर तुम नहीं सोए तो फिर तुम्हारी मदर भी रोएगी। स्वीट बेबी इन दाई फेस, कहती है मेरे प्यारे बेटे तुम्हारे चेहरे में, होली इमेज आई कैन ट्रेस, मैं एक होली मुकद्दस तस्वीर देख सकती हूँ। अब वो अपने बच्चे को कंपेयर कर रही है विद जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ। वो कह होली इमेज किसकी है, इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको उस मदर को अपने बच्चे में जीसस क्राइस्ट का इमेज नजर आ रहा है। वो कहती है कि तुम्हारे चेहरे में मुझे जीसस क्राइस्ट को मैं देख सकती हूँ, मुझे तुम में जीसस क्राइस्ट नजर आते हैं। स्वीट बेबी वंस लाइक दी, मेरे प्यारे बेटे एक दफा एक बार तुम्हारी तरह। दाई मेकर ले एंड वेप्ट फॉर मी, तुम्हें बनाने वाला, मतलब जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, वो गॉड के बेटे हैं, एंड ही इज द क्रिएटर, वो क्रिएटर भी है। कुछ सेक्ट्स उनको सन ऑफ गॉड समझते हैं, कुछ सेक्ट्स क्रिश्चियनिटी में उनको गॉड समझते हैं। एनी हो, वो कहते हैं स्वीट बेबी वंस लाइक दी, मेरे प्यारे बेटे वंस लाइक दी, एक मरतबा बिल्कुल तुम्हारी तरह। दाए मेकर ले, तुम्हें बनाने वाले लेटे थे, एंड वेप्ट फॉर मी, और हमारे लिए रोए थे। इसमें जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस को मेंशन कर रही है मदर। मदर इज बेसिकली इंडिकेटिंग द सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बारे में आपको पता होगा कि उनको क्रॉस के साथ बांध के तो उनको टॉर्चर किया गया था। कहती है कि उसने ये सब कुछ किस लिए बर्दाश्त किया था, तुम्हें बनाने वाले ने सब कुछ
तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया था, और जब उनको टॉर्चर किया गया वो किसके लिए रोए? वो आपके लिए रोए, मेरे लिए रोए, वेप्ट फॉर मी, वो मेरे लिए रोए। कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तुम अब रो रहे हो, तुम्हें बनाने वाला भी कभी रोया था हमारे लिए। जीसस क्राइस्ट की बात कर रही है, जीसस क्राइस्ट को इंडिकेट कर रही है कि वो भी हमारे लिए रोए थे, और उसे अपने बच्चे के अंदर जीसस क्राइस्ट का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, उनका अक्स नजर आ रहा है। ये हमारी पोएम थी क्रेडल सॉन्ग। ये बच्चे को बेसिकली एक लोरी दे रही है मदर, और उसको नरेट किया गया है। इवन देन इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू पीपल मे आस्क मी इन गूगल मीट। थैंक यू।